गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 3 वर्ड प्रॉब्लम 4। देयर आर 121 रूम इन म्यूजियम। एक म्यूजियम है, उसमें टोटल कितने रूम्स है? 121। ईच रूम है 628 ऑब्जेक्ट ऑन डिस्प्ले, और प्रत्येक रूम में 628 ऑब्जेक्ट डिस्प्ले किए हुए हैं, यानी देखने के लिए लगाए हुए हैं। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर देयर इन ऑल? तो 121 रूम्स में टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सीधा सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए रूम। एक रूम में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 628। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन 121 रूम्स में कितना होंगे? यानी कि आपको एक रूम का दे रखा है और आपसे ज्यादा रूम का पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 628 मल्टीप्लाई बाय 121। 1 8 are 1, 1 2 are 2, 1 6 are 6। सेकेंड डिजिट से 10 से मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करते हैं? क्रॉस का साइन लगाते हैं। 2 8 are 16 का 6 कैरी 1, 2 2 are 4 and 1 5 एंड 2 6 are 12। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्या लगाते हैं? क्रॉस या 0। 1 8 8 1 2 2 1 6 are 6। 8 6 2 8 6 and 5 11 11 and 8 19 का 9 कैरी 1 1 2 3 3 and 2 5 6 add by 1 7। दस द टोटल ऑब्जेक्ट आर 75,988 इन ऑल। यानी टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं सब पूरे मिला के रूम्स में? 75,988। राइट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए नेबरहुड ईच फैमिली कंज्यूम्स 260 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक फैमिली है, ईच फैमिली यानी प्रत्येक फैमिली 260 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। इफ देयर आर 1,362 फैमिलीज इन ए नेबरहुड, और हमारे पूपर सब मिला के पास में कितनी फैमिलीज रहती हैं? 1,362। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम बाय द, तो सब मिलाकर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, यानी खर्च करते हैं। सीधा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ईच फैमिली 260 यूनिट्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1,362। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय द ऑल फैमिलीज, तो 1,362 मल्टीप्लाई बाय 260। 0 2s are 0, 0 6s are 0, 0 3s are 0, 0 1s are 0। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं देन पुट योर साइन क्रॉस। 6 2s are 12 का 2 कैरी 1, 6 6s are 30 and 1 add by 37 का 7 कैरी 3, 3 6s are 18, 18 add by 3 21 का 1 कैरी 2, 6 1s are 1 and add by 2 8। 2 2s are 4, 2 6s are 12 का 2 कैरी 1, 3 2s are 2, 3s are 6 and add by 1 7 and 2 1s are 1। 0 2 7 4 11 का 1 कैरी 1 2 3 and 4 7 8 by 15 and 1 2 and add by 1 13 3 sorry 3। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज 354,120 यूनिट्स। देन नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन इज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर। डिवीजन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का एक रिपीट करने का क्या होता है? एक मेथड होता है या नंबर होता है। इन ए डिवीजन द नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवीजर, और जो हमें उससे आंसर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन। और एंड में जो नंबर बचता है उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। जैसे कि 19 डिवाइडेड बाय 6, तो 19 क्या हो गया? आपका डिविडेंड। 6 आपका डिवीजर एंड 3 क्वेश्चन जो आंसर आता है, और रिमाइंडर के रिमाइंडर क्या होता है? जिससे आपको जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिजिट बचती है। प्रॉपर्टीज ऑफ टू डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 1 द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इटसेल्फ। यदि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है? इटसेल्फ नंबर ही आता है। जैसे 72 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या आएगा? 72। देन सेकेंड इज व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज 1। यदि हम सेम नंबर को यानी एक ही नंबर से हम दोनों नंबर जैसे 8 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है? 1। 16 डिवाइडेड बाय 16 तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया? 1। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर
अदर देन जीरो क्वेश्चन इज जीरो. यदि हम किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज डिविजर, सॉरी जीरो. नोट, डिवाइडिंग ए नंबर बाय जीरो हैज ए नो मीनिंग, और जीरो का क्या होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है. थैंक यू.